Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. माननीय वाइस चांसलर ढाका विश्वविद्यालय प्रोफेसर आरिफिन सिद्दीकी जी, ढाका विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, अध्यापक और प्रिय छात्र एवं छात्राएं, बांग्लादेश सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सभी सांसद सदस्य महोदया, आईटेक और आईसीसीआर के स्कॉलर्स, मुक्ति योद्धा, व्यावसायिक समुदाय, बुद्धिजीवी, भारतीय समुदाय, पद्म भूषण डॉक्टर अनीश सुजमान जी, पद्मश्री झरनाधारा चौधरी जी, भाई और बहनों, आमार बांग्लादेशेर भाई बोनेरा नमस्कार। কেমন আছো? আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা তোমাকে সাথে নিয়ে চলব। আমার বাংলা কেমন বলো তো? दो दिन की मेरी यात्रा आज समाप्त हो रही है। ये मेरा एक प्रकार से इस यात्रा का आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच में अब यात्रा शुरू हो रही है। मेरी इस दो दिन की यात्रा और बांग्लादेश के नागरिकों ने, बांग्लादेश सरकार ने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी एवं मंत्रीगण ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, ये स्वागत सम्मान नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति का नहीं है, 125 करोड़ भारतवासियों का है। इस दो दिन की यात्रा के बाद न सिर्फ एशिया लेकिन पूरा विश्व बारीकी से
पोस्टमार्टम करेगा। कोई तराजू लेकर के बैठेंगे, क्या खोया क्या पाया। लेकिन अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। मेरा बांग्लादेश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, और इमोशनल अटैचमेंट ये है कि मेरे जीवन में और राजनीतिक जीवन में हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन मिला, जिनकी उंगली पकड़ के चलने का हमें सौभाग्य मिला, क्योंकि भारत मां के सपूत, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश ने विशेष सम्मान दिया। और सम्मान मिला एक मुक्ति योद्धा राष्ट्रपति जी के हाथों से। सम्मान मिला बंगबंधु की बेटी की उपस्थिति में। और सम्मान लेने का सौभाग्य उस व्यक्ति के पास था जिसने युवानी में कभी राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं था। मैं वो इंसान हूं, बहुत देर से राजनीति में आया हूं, करीब करीब 90 के आसपास। लेकिन मुझे अपने जीवन में सबसे पहला कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला, मैं युवा था, युवा सहज गतिविधियों से जुड़ा था। लेकिन उस समय अखबारों में पढ़ते थे बांग्लादेश के लड़ाई के संबंध में, मुक्ति योद्धाओं की लड़ाई के संबंध में, यहां पर हो रहे जुल्म के संबंध में। और जैसा आपका खून खोलता था, हमारा खून भी खोलता था। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी वो हमारे कान में गूंजती थी, और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया। और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी, उसके बाद भी कभी नहीं की, कई सालों तक नहीं की, मैं सामाजिक जीवन से जुड़ा था। और उस अर्थ में शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी कि वो नाता
आज नए रूप में आपके साथ मुझे जोड़ दिया, आपके साथ जोड़ दिया। दुनिया में समृद्ध देशों की गतिविधियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन हम जैसे गरीब देश उसकी गतिविधियों पर दुनिया की नजर बहुत कम जाती है। बांग्लादेश ने इस संघर्ष में से निकल करके विकास की यात्रा को आरंभ किया। और इतने कम समय में, और यहां पर राजनीतिक संकट बार बार आए हैं, उतार चढ़ाव बार बार आए हैं, सिर्फ मुक्ति योद्धाओं वाली उस लड़ाई के बाद भी कठिनाइयां रही है, प्राकृतिक आपदाएं आए दिन बांग्लादेश में अपनी पहचान बनाती रहती है। इन संकटों के बावजूद भी बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में अप्रतिम काम किया है। लोगों का ध्यान यहां की गारमेंट इंडस्ट्री के विकास की तरफ तो जाता है, और वे बधाई के पात्र हैं सारे। और मैं भी चीन गया था तो वहां के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे कि मोदी जी, आपका तो 125 करोड़ का देश है, आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले, तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया। किसी को ये लगता होगा कि उस समय मोदी को क्या लगा होगा। मैं दिल से कहता हूं, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और आनंद इस बात का था कि हम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की रेखा में जीने वाले लोग हैं, वहां हमारा एक साथी, मेरा पड़ोसी, ये इतना बड़ा पराक्रम करें तो हमें आनंद आना बड़ा स्वाभाविक है। सूरज पहले यहां निकलता है लेकिन बाद में किरणें हमारे यहां भी तो पहुंचती है। और इसलिए यहां जितना विकास होगा, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, वो रोशनी हम तक आने ही वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इस अर्थ में मैं कहता हूं, आज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट देखिए, हमारे देश में कई राज्यों को बांग्लादेश से सीखने जैसा है कि उन्होंने जिस प्रकार से इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में, इवन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के संबंध में, ये बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बांग्लादेश आता है ना तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के लिए। जिस बांग्लादेश के सपनों को मेरे देश के जवानों ने खून से सींचा हो, उस बांग्लादेश की तरक्की हम लोगों के लिए
इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एकमात्र अपना गोल बनाया है डेवलपमेंट, विकास, और लगातार 6% ग्रोथ, ये छोटी बात नहीं है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। और इसके कारण जो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत नींव तैयार हो रही है, जो आने वाले दिनों में यहां के भविष्य को बनाने वाली है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूं। भारत और बांग्लादेश दोनों एक विषय में बड़े भाग्यशाली हैं। भारत के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, और बांग्लादेश के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। ये जवानी से भरा हुआ देश है। उसके सपने भी जवान हैं। जिस देश के पास ऐसा सामर्थ्य हो और विकास को समर्पित नेतृत्व हो, कुछ कर गुजारने का उमंग हो, मैं विश्वास से कहता हूं अब बांग्लादेश की विकास यात्रा कभी रुक नहीं सकती है, न रुक नहीं। आज वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। कोई एक कालखंड था जब विस्तारवाद देशों की शक्ति की पहचान माना जाता था। कौन कितना फैलता है, कौन कहां कहां पहुंचता है, कौन कितना सितम और जुल्म कर सकता है, उसके आधार पर दुनिया की ताकतें नापी जाती। आज वक्त बदल चुका है। इस युग में, इस समय विस्तारवाद को कोई स्थान नहीं है। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग। और यही मूलभूत चिंतन है। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या यह सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? अगर किसी को यह लगता है कि दो चार किलोमीटर जमीन इधर गई और दो चार किलोमीटर जमीन उधर गई, ये वो समझौता नहीं है। ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। दुनिया में सारे युद्ध जमीन के लिए हुए, और ये एक देश है, बांग्लादेश भी गर्व करता है। मुझे आज आपके टूरिज्म मिनिस्टर मिले थे, वो कह रहे थे हम बुद्ध सर्किट शुरू करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। भारत भी बुद्ध के बिना भारत अधूरा है, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए दुनिया जमीन के लिए लड़ती हो, मरती हो,
लेकिन हम दो देश हैं जो जमीन को ही हमारे संबंधों का सेतु बना करके खड़ा कर देते हैं। मैंने आज यहां एक अखबार में यहां के किसी राइटर ने लिखा था, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं लेकिन हेडलाइन पढ़ी, उन्होंने बांग्लादेश और भारत की जमीन की समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना के साथ तुलना की है। मैंने कहा, मैं कहता हूं बहुत बड़ी बड़ी सोच के साथ उन्होंने रखा है। यही घटना दुनिया के किसी पूरे भूभाग में होता तो विश्व में बड़ी चर्चा हो जाती, पता नहीं नोबेल प्राइज देने के लिए रास्ते खोले जाते। हमें कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हम गरीब देश के लोग हैं, लेकिन गरीब होने के बाद भी अगर हम मिलके चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, अपने सपनों को संजोने के लिए कोशिश करते रहेंगे, दुनिया हमें स्वीकार करे या न करे, दुनिया को इस बात को मानना पड़ेगा कि यही लोग हैं जो अपने बलबूते पर दुनिया में अपना रास्ता खोजते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ते पर चल पड़ते हैं। यहां के नौजवान के सपने, वक्त बहुत बदल चुका है। आप किसी भी नौजवान को पूछिए, उसके एस्पिरेशन पूछिए, आज से 20 साल 25 साल पहले हम जो सोचते थे वो जवाब आज नहीं मिलेगा, वो कुछ और सोचता है, वो दुनिया को अपनी बाहों में कर लेना चाहता है, वो जगत के साथ जुड़ना चाहता है। वक्त बदल चुका है, ये हम लोगों का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को विकास के लिए हम अवसर दें, शिक्षा के लिए अवसर दें, उन नई चीजों को प्राप्त करने के लिए अवसर दें। आज मैं जिस ढाका यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे आपने निमंत्रित किया है, यही तो ढाका यूनिवर्सिटी है जिसने बांग्लादेश को ज्ञान से संवारा है, बुद्धि से संवारा है। व्यक्ति व्यक्ति में ज्ञान दीप जलाने का काम इस यूनिवर्सिटी ने किया है। बीते हुए कल तो हम इससे जुड़े थे, हमारे यहां भी जो लोग हैं वो यहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे। हर एक का नाम हम गर्व गर्व से कह सकते हैं, और उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी, जैसे अभी वाइस चांसलर जी बताए थे, हम ओशनोग्राफी के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस ब्लू इकोनॉमी पर हम कैसे मिलकर के बल दें, हमारी सामुद्रिक शक्ति, और हम सार देश में से 5 देश ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। अगर हम समंदर से सटे हुए देश हैं, हम ब्लू इकोनॉमी को एक सामूहिक ताकत बनकर के काम करें, हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को विकास के लिए नए अवसर दे सकते हैं, और हम उस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं। हम पिछले दिनों नेपाल में मिले थे, सार्क समिट था, उस समय एक विषय पर मैंने बहुत बल दिया था, हम एक प्रस्ताव पारित करना चाहते थे, और प्रस्ताव था कनेक्टिविटी का। हम सार देश एक दूसरे से, हमारी कनेक्टिविटी हो, ओपननेस हो, आना जाना सरल हो, उस पर कोई फैसले करना चाहते थे। खैर, हर कोई तो बांग्लादेश होता नहीं है, हमारी गाड़ी पटरी पर नहीं चढ़ी, लेकिन अब पटरी पर नहीं चढ़ी तो हम इंतजार करके बैठे क्या? आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो काम हम सार्क में विधिवत रूप से नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान, 4 देशों ने अपना कनेक्टिविटी की प्रायोरिटी तय कर ली है।
और ये हम मान के चले, सारे यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी जो बदलाव आया उसके मूल में एक कारण ये है, इजी कनेक्टिविटी। सार्क देश भी इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, सब चले या न चले कुछ तो चल पड़े हैं। और इसलिए बांग्लादेश भारत, हम कनेक्टिविटी के लिए कई चीजें आज निर्णय किया, रेल मार्ग हो, रोड मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, और अब तो निर्णय कर लिया समुद्री मार्ग का भी। वरना हमारा क्या हाल था, हिंदुस्तान में कुछ भेजना है तो वाया सिंगापुर भेजते थे, अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश आमने सामने, लो भाई ले जाओ, वो कहेगा ले जाओ। और इसलिए मैं कहता हूं कितना बड़ा बदलाव आ रहा है ये हम साफ देख सकते हैं। और ये बात निश्चित है, आज कोई भी देश कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, उसके पास धन बल हो, जन बल हो, शस्त्रास्त्रों का बल हो, तो भी आज वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो गई है, एक दूसरे के सहारे के बिना अब विश्व नहीं चल सकता है। और इसलिए भारत और बांग्लादेश ने इस भविष्य को पहचाना है, जाना है। भारत और बांग्लादेश का विजन साफ है, और इसलिए हमने 22 जो निर्णय किए हैं, ये 22 निर्णय नंबर की दृष्टि से संतोष हो इतनी से बात नहीं है, एक से बढ़कर के एक सारे निर्णय आने वाले भविष्य का बदलाव करने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं, ये मैं आज विश्वास से कह करके जाता हूं। और मैं इसके लिए बांग्लादेश के दीर्घदृष्टा नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले कर पाए हैं। आज अगर हम सैटेलाइट के द्वारा फोटो लें तो आप देखेंगे ये सार्क के ही देश ऐसे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां अभी भी अंधेरा नजर आता है। क्या हमारे यहां उजाला नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहां गरीब के घर में भी बिजली का दिया जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? और अगर ये चलना है तो बिजली चाहिए, और बिजली प्राप्त होना हम अगर मिलकर के काम करें, नेपाल हो, भूटान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी इस इलाके में अंधेरा रह सकता है। और साथ साथ जब मैं कहता हूं, जब हमने त्रिपुरा में पल्टन में बिजली का कारखाना लगाया, अब वो बिजली कारखाने के बड़े बड़े यंत्र ले जाने थे, बांग्लादेश की मदद नहीं मिलती तो हम वहां नहीं ले जा सकते थे। बांग्लादेश ने हमें मदद की, समुद्री मार्ग से हमें जाने दिया, और आज वहां बिजली का कारखाना पल्टन में शुरू हो गया और 100 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को आना शुरू हो गया। 500 मेगावाट बिजली देने का हमने वादा किया था, और कल हमने तय किया है 1000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को। हम दोनों देश एक प्रकार से भाग्यशाली हैं, और हम पर तपते सूरज की बड़ी कृपा है। अब तक तो वो परेशानी का कारण था, लेकिन वही सूरज अब शक्ति का कारण बन गया है। सोलार एनर्जी हमारी बहुत बड़ी बदौलत हो सकती है,
भारत और बांग्लादेश दोनों सोलार एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहते हैं और दुनिया जो क्लाइमेट चेंज के लिए चर्चा करती रहती है, हम धरती पर उसका जवाब ढूंढते हैं और जवाब पाकर के रहेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहां की जो युवा शक्ति है, यहां का जो टैलेंट है, भारत के पास जो शक्ति है, भारत के पास जो टैलेंट है, इसे जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी कह रही थी कि हम स्पेस में अब जाना चाहते हैं, हम बंगबंधु एक सैटेलाइट की ओर जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में कहा कि बंगबंधु हमारे बिना कैसे हो सकते हैं, बंगबंधु के साथ भारत बंधु भी तो बंधु ही रहेगा। और मैंने कहा हम आपके स्पेस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने स्पेस की दुनिया में अपनी एक ताकत परिचय करवा दिया है दुनिया को। हमारी वो शक्ति है, वो बांग्लादेश के काम आनी चाहिए। मैंने कल सामने से ऑफर किया है और मैंने सार्क देशों को कहा था हम एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे 2016 तक, हम सफलतापूर्वक उस काम को पूरा करना चाहते हैं। उन सार्क सैटेलाइट के द्वारा इन सार्क देशों को, यहां के किसानों को वेदर के संबंध में जानकारी मिले, कोई सामुद्रिक तूफान की संभावना हो, कोई हवा तेज चलने वाली हो, साइक्लोन आने वाला हो, तो उसका पूर्वानुमान हो, शिक्षा के लिए काम आए, हेल्थ के लिए काम आए। ये सार सैटेलाइट भारत सार देशों के लिए, मतलब कि बांग्लादेश के लिए आने वाले दिनों में लाने वाला है। यानी विकास की हमारी जो कल्पना, हम जिस रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी हैं। बांग्लादेश ने अनेक, खास करके विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए हैं, मैं समझता हूं वो काबिल-ए-दाद है। यहां के पुरुषों को कभी ईर्ष्या आती होगी कि प्रधानमंत्री महिला, स्पीकर महिला, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महिला, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की लीडर महिला, और यहां भी प्रो वाइस चांसलर महिला। ये सुनकर के गर्व होता है जी। हम एशियन कंट्रीज आज भी दुनिया के कुछ देशों में महिला को राष्ट्र के प्रमुख के रूप में स्वीकार करने के लोगों की मानसिकता कम है। ये भूभाग दुनिया का ऐसा है कि जहां पर नारी को राष्ट्र का नेतृत्व करने का बार बार अवसर मिला है, चाहे हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो। अब देखिए इस भूभाग में श्रीलंका, ये विशेषता है हमारी। लेकिन फिर भी हम कहीं और होते तो दुनिया में जय जयकार होता। देखिए हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, कोई हमारी ओर देखने को तैयार नहीं। हम सम्मान से, गर्व से खड़े हो कि दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास यह ताकत है। दुनिया को मानना पड़ेगा कि विमेन एम्पावरमेंट में भी हम दुनिया से कम नहीं है। मैं दो दिन से यहां इधर उधर जा रहा हूं तो मैं एक बिलबोर्ड देख रहा था और एक बिटिया, उसकी बड़ी तस्वीर लगी है और लिखा है आई एम मेड इन बांग्लादेश। आपकी महिला क्रिकेटर सलमा खातून की वो चेहरा, ये
ये विमेन एम्पावरमेंट है, ये यूथ की ताकत का परिचय करवाता है। और ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है। हमारे यहां अभी अभी क्रिकेट का दौर समाप्त हुआ और जब बांग्लादेश का नौजवान अल हसन देखिए, बांग्लादेश विकास करने की उसकी गति कितनी तेज है। क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश की एंट्री देर से हुई, लेकिन आज हिंदुस्तान समेत सभी क्रिकेट टीमों को, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कम आंकने की हिम्मत नहीं है। देर से आए लेकिन आपने उन प्रमुख देशों में अपनी जगह बना ली है। ये बांग्लादेश की ताकत है। कुछ वर्ष पहले मैंने जब निशात मजुमदार और वास्फिया, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, गरीब परिवार की दो बिटियां, गरीब परिवार से आई और एवरेस्ट जाकर के आ गई। ये बांग्लादेश की ताकत है। और मुझे गर्व है कि मैं उस बांग्लादेश के साथ साथ चलने के लिए आया हूं। ये एक सामर्थ्य होता है जो हमें नई शक्ति देता है। कुछ बातें हैं जो अभी भी करनी है। ऐसा नहीं कि भाई मैं यहां 40 घंटे में सब कुछ करके निकल जा रहा हूं, ना, कुछ करना बाकी है। क्योंकि मुझे 125 करोड़ का देश है, अनेक राज्य हैं, सबको साथ लेकर के चलना होता है। और बांग्लादेश को साथ साथ चलता हूं तो मेरे राज्यों के भी तो साथ साथ चलना होता है। और जब भी बांग्लादेश आया तो स्वाभाविक है, तिस्ता के पानी की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के संबंध में हम साथ चले हैं और मुझे भरोसा है। और मेरा तो मत है, पंछी, पवन और पानी, तीन को बीजा नहीं लगता है। और इसलिए पानी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, पानी ये मानवता के आधार पर होता है, मानवीय मूल्यों के आधार पर होता है। और उसको मानवीय मूल्यों के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे, मुझे विश्वास है, और रास्ते निकलेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। कोशिश जारी रहनी चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए, विश्वास डिगना नहीं चाहिए, परिणाम मिलकर के रहता है। कभी कभार सीमा पर कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि दोनों तरफ तनाव हो जाता है। किसी भी निर्दोष की मौत हर किसी के लिए पीड़ादायक है। गोली यहां से चली या वहां से चली उसका महत्व नहीं है, मरने वाला गरीब होता है, इंसान होता है। और इसलिए हमारी सीमा पर ऐसी वारदात न हो और उसके कारण हमारे बीच तनाव पैदा करना चाहने वाले तत्वों को ताकत न मिले, ये हम दोनों देशों की जिम्मेवारी और हम निभाएंगे, निभाते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में
कठोरता से काम लेने के लिए दोनों देशों ने निर्णय किया है। इलीगल मूवमेंट जो होता है उसके कारण भारत में भी कई राज्यों में उसके कारण तनाव पैदा होता है। हमने दोनों ने मिलकर के इसकी चिंता व्यक्त की है। फेक करेंसी करे कोई, खाए कोई, और बदनामी बांग्लादेश को मिले। अब बांग्लादेश सरकार इस प्रकार की चीजों को चलने देना नहीं चाहती है। मैं बांग्लादेश सरकार की तारीफ करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यही तो चीजें हैं जो हमें साथ साथ चलने के लिए हमारा हौसला बुलंद करते हैं, और आज साथ साथ चलते हैं, कल साथ साथ दौड़ना भी शुरू कर देंगे। इसी से तो ताकत आती है, और उसी ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विकास की जब नई ऊंचाइयों को हमें पार करना है, डिफेंस के क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस बार हमने लाइन ऑफ क्रेडिट $2 बिलियन किया है, और ये करने का हमारा हौसला इसलिए बुलंद हुआ है कि पहले जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, अगर बहुत बढ़िया ढंग से किसी ने उसको उपयोग किया तो बांग्लादेश ने किया है, और इसलिए ये नया जो लाइन ऑफ क्रेडिट का हमारा निर्णय है, मुझे पूरा भरोसा है बांग्लादेश उसका सही सही उपयोग करेगा। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है इंडिया एसईजेड बनाने का। भारत के लोग यहां आए, पूंजी निवेश करें, यहां के नौजवानों को रोजगार दें, यहां की जो कच्चा माल है उसको मूल्य वृद्धि करें, यहां की इकोनॉमी को लाभ हो, और भारत और बांग्लादेश में ट्रेड डेफिसिट का जो फासला है उसको कम करने में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से तो माल लेता रहे और बांग्लादेश से कम सामान हिंदुस्तान आए। नहीं, हम बराबर ही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं बांग्लादेश का माल हिंदुस्तान में बिकना चाहिए। हम बराबरी से आपके एक मित्र राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं आपके साथ, और इसलिए हमारी भूमिका यही है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम साथ चले, उसी को लेकर के हम चलना चाहते हैं। आज दुनिया में कुछ संकटों का सामना भी हमें करना है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन अपनी 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। 70 साल की यात्रा कम नहीं होती है। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की छाया में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। तब दुनिया की स्थिति अलग थी। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, आज इंटरनेट रिवॉल्यूशन का कालखंड है। वक्त बदल चुका है, लेकिन यूएन वही का वही है। आज भी यूएन पिछली शताब्दी के कानून से चलता है, शताब्दी बदल चुकी, यूएन नहीं बदला है। हम जो गरीब देश हैं उन्होंने मिल बैठ करके यूनाइटेड नेशन भी अपनी 70वीं सालगिरह मनाते समय विश्व को नए नजरिए से देखें। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, भारत बांग्लादेश जैसे गरीबी से लड़ रहे देश, सार्क के देश जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की ओर विश्व ध्यान दे। और इसलिए ऐसे सभी देशों ने मिलकर के हमारे दुनिया को, युद्ध होता है तो कैसे काम करना ये तो आता है, सीमा पर लड़ाई कैसे होगी, सेना क्या करेगी, वायुसेना क्या करेगी, सब आता है, लेकिन टेररिज्म से कैसे निपटना अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि रास्ते क्या हो, और यूएन भी गाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी
डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मैं शेख हसीना जी को अभिनंदन करता हूं जो हिम्मत के साथ ये कहें कि टेररिज्म के साथ मेरा जीरो टॉलरेंस है। टेररिज्म, इसको कोई सीमा नहीं है, कोई भूभाग नहीं है। भारत तो पिछले 40 साल से उसके कारण परेशान है। कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितना रक्त बह रहा है। और टेररिज्म के जुड़े हुए लोग, क्या पाया उन्होंने, क्या दिया दुनिया को उन्होंने? और इसलिए टेररिज्म का रूप ऐसा है जिसे कोई सीमाएं नहीं है, कोई भूभाग नहीं है, न उसके कोई आदर्श है, न कोई मूल्य है, न कोई संस्कृति है, न कोई परंपरा है। अगर है तो उनका एक ही इरादा है और वो है मानवता की दुश्मनी। टेररिज्म वो मानवता का दुश्मन है और इसलिए हम किसी भी पंथ संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी पूजा पद्धति में क्यों न मानते हो, हम पूजा पद्धति में विश्वास करते हो या न करते हो, हम ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ ये जो लड़ाई चली है, मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, उन सभी देशों को एक होना बहुत अनिवार्य हुआ है। और हम इस आतंकवाद, आतंकवादी मानसिकता, इसको आइसोलेट करें, उसको निहत्थे करें और मानवता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। और इस काम में बांग्लादेश की सरकार ने जीरो टॉलरेंस ये जो संकल्प किया है, मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं साफ मानता हूं, बांग्लादेश और भारत के बीच, न सिर्फ बांग्लादेश और भारत के बीच, सार्क देशों में भी हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। टूरिज्म को हमने बढ़ावा देना चाहिए। और टूरिज्म है, टूरिज्म यूनाइट्स द वर्ल्ड, टेररिज्म डिवाइड्स द वर्ल्ड। हम एक दूसरे को जाने पहचाने, नई पीढ़ी मिले जुले बात करे, गर्व करे। और इसलिए टेररिज्म के सामने लड़ने के लिए हमारा मेलजोल जितना बढ़ेगा, एक दूसरे को पहचानने का अवसर जितना मिलेगा, एक नई शक्ति उसमें से उभर करके आती है। उस नई शक्ति को हमने आगे बढ़ाना है और देश में दिशा में हमने प्रयास करना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी हिंदुस्तान को जगह नहीं मिल रही है, परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन, हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है, लेकिन उसको दुनिया की शांति के संबंध में चर्चा करने के लिए हक नहीं है। कैसी सोच है? और वो देश, और मैं डंके की चोट पर दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके कह रहा हूं, वक्त बदल चुका है, समय से पहले चेत जान जाइए। हिंदुस्तान वो देश है जो कभी जमीन के लिए किसी पर हमला नहीं किया है, न कभी लड़ाई लड़ी है। हम प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख हिंदुस्तान की सेना के जवान प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े, अपने लिए नहीं,
भारत की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारत का भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़े, किसी और के लिए मरे, और करीब करीब 75,000 लोग शहीद हुए, 75,000 लोग तब हम विश्व युद्ध में। उसके बावजूद भी दुनिया हमें पूछ रही है शांति के लिए, हम विश्व की शांति के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसके लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए मरी, किसी दुनिया के देश में जाकर के मरी, और उस समय हम सब एक थे, बांग्लादेश के भी बच्चे थे उसमें, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बलिदान दिए थे। तब विभाजन नहीं हुआ, हम सब एक थे। करीब 90,000 हमारे नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे। आज भी यूनाइटेड नेशन बड़े गर्व से कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है, उनकी डिसिप्लिन का होता है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं दुनिया में क्या कभी कोई घटना मिल सकती है कि बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक अमार सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, बंगबंधु का नेतृत्व था, और हर बंगाली मरने के लिए तैयार हुआ था। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे, वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है, कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का प्रबल उमंग। और इतिहास देखिए, 90,000 जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था, अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजेक कर जाए ना, तो 25-50-100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान के सेना का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे कि बांग्लादेश बंगबंधु के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, यह हमारा सपना था। और इसलिए हमने हमारे सपनों को चूर कर दिया, हमारी मुसीबतों को हमने दफना दिया, और हमने 90,000 सैनिक वापस दे दिए। 90,000 सैनिक वापस देने की एकमात्र घटना की ताकत इतनी है कि पूरे विश्व ने
भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता कितनी है, इसको नापने के लिए ये एक घटना काफी है और भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए रास्ते खुल जाने चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, हम जैसे इस इलाके में दूर सुदूर पड़े हुए लोगों को मिल बैठ करके लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। विश्व के रंगमंच पर हम सबको एक ताकत बनकर के उभरना पड़ेगा। हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपने आप कंधे से कंधा मिलाकर के चल करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी की मदद से अगर 2 साल में हो सकता है तो किसी की मदद के बिना 5 साल में भी तो होके रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। विकास के रास्ते पर हमें चलना है, साथ मिलकर के चलना है। और मेरी तो पहले दिन, हमारे यहां एक कहावत है हिंदुस्तान में, पुत्र के लक्षण पालने में, यानी कि जनतई झूले में जो बच्चा होता है उसी से पता चलता है आगे चल करके कैसा होगा। ऐसी कहावत है, शायद बंगला में भी होगी कहावत। मेरी सरकार का जन्म नहीं हुआ था, अभी तो जन्म होना बाकी था, लेकिन हमने सार्क देशों के नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया, सभी सार्क देशों को निमंत्रित किया, सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया और शपथ उनकी साक्षी में लिया। पहले ही दिन हमने संदेश दे दिया था कि हम सार्क देशों के साथ मित्रता के साथ 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 चलने के लिए निर्णायक हैं और हम चलना चाहते हैं, ये भूमिका लेकर के हम चलते हैं। पहले ही दिन हमने परिचय करवा दिया है। ये एक ऐसा भूभाग है जिसके पास दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत है और उसी ताकत के भरोसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे बीच कितने एकता से हमें जोड़ने वाली ताकतें कितनी तेज है, कला, संस्कृति, खान पान, सब चीज। कोई के सोच सकता है कि एक ही कवि दो देश के राष्ट्रगीत का रचयिता हो? है, ये यही तो है हमारी एकत्व को जोड़ता है। हमें जोड़ने वाली चीजों को उजागर करें, हमें जोड़ने वाली चीजों को लेकर के चले और हम एक शक्ति बनकर के उभरे और विकास के मार्ग पर चले। और खुशी की बात है, आपके प्रधानमंत्री जी और मेरी सोच परफेक्टली मैच होती है। हमारे दिमाग में एक ही विषय है, विकास विकास विकास। उनके दिमाग में भी एक ही है, विकास विकास विकास। उन्होंने कहा हम 2021 जब बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी तब हम हमारी आर्थिक स्थिति को यहां पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए लगे हुए हैं। आपकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आपकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपके दीवार से सटे हुए पड़ोसी की इमारत अगर कच्ची हो जाए तो आपकी कितनी ही पक्की इमारत टिक सकती है क्या? कभी नहीं टिक सकती। और इसलिए भारत की इमारत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन बांग्लादेश की ताकत भारत की ताकत समान होनी चाहिए, समान शक्ति से दोनों आगे बढ़ने चाहिए ताकि कभी कोई संकट ना आए। मेरा ये जो प्रवास रहा, समय तो जरा कम पड़ गया लेकिन मेरे लिए ये यात्रा यादगार रही है और उस यादगार यात्रा के साथ मैं आज जब भारत लौट रहा हूं
तो मन में जरूर रहेगा। मैं जब आज आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे मोदी जी जरा ज्यादा दिन आ जाते अच्छा होता, कुछ हमारे ग्रामीण इलाकों में जाते तो अच्छा होता। कई सारे सुझाव मेरे पास आए हैं, मुझे भी लगता है कुछ कम रह गया, कुछ कम पड़ गया, अच्छा होता। और मुझे कल हमारे ममता जी कह रही थी कि मोदी जी बांग्लादेश की मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं सकते। और मैंने अनुभव किया ऐसी उत्तम मेहमान नवाजी, लेकिन आखिरकार मेरे जिम्मे भी कुछ ड्यूटी है, तो मेहमान नवाजी कितने दिन तक मैं भुगत हुआ। लेकिन मैं जरूर कभी न कभी चाहूंगा कि मैं फिर से एक बार जब बांग्लादेश आऊं तब आपके आरोंग के बस में, मैंने सुना है हैंडीक्राफ्ट के संबंध में काफी बड़ी नामना है, कभी आरोंग जाने का भी मन कर जाता है, कभी मन करता है नोआखली चला जाओ जहां महात्मा गांधी का एक म्यूजियम बना हुआ है, बापू का आश्रम है, कभी नोआखली चला जाऊं। मेरा मन ये भी करता है कि हो सके तो मैं कुठीबाड़ी जा पाऊं और वहां ठाकुरबाड़ी देखूं, फिर पोदा नदी में नाव के ऊपर आप में से कुछ नौजवानों के साथ, विशेषकर युवा मित्रों के साथ उस क्षेत्र को देखूं, और वो भी अड्डा करते हुए। बिना अड्डा बांग्लादेश की यात्रा अधूरी रहती है। और आज मैं इस मेरी यात्रा के आखिरी कार्यक्रम करके मैं सीधा ही यहां से हवाई अड्डे पर जा रहा हूं, तो मैं यही आपके ही एक कवि के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आबार आशिबो, आबार आशिबो, फिरे धान सिरी रे तीरे, आए बांग्लाए, आबार आशिबो, फिरे धान सिरी रे तीरे, आए बांग्लाए। मैं फिर एक बार आपके प्यार के लिए, इन गहरे संबंधों के लिए, भारत और बांग्लादेश के नौजवानों के सपनों के लिए इस यात्रा को एक नई ताकत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। जो सपने आपने संजोए हैं वही सपने मेरे हैं, मैं जो सपने मेरे देश के लिए देखता हूं वही सपने मैं आपके लिए भी देखता हूं। हम दोनों देश के युवा पीढ़ी की ताकत के भरोसे उन सपनों को संजोते हुए आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ जय बांग्ला, जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोत्कृष्ट भाषण देने हेतु कोटि कोटि धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका वी थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी फॉर हिज ब्यूटिफुल एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स।